दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे संडे को ही क्यों मिलती है छुट्टी, इसके पीछे का ये है कारण। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है संडे को ही क्यों मिलती है छुट्टी? शायद आप सभी लोगों ने नहीं सोचा होगा। छुट्टी एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही मुंह पर खुशी झलक पड़ती है। खुशी हो भी क्यों ना, भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में छुट्टी किसे नहीं प्यारी होती। भारत में तो आए दिन किसी न किसी कारण छुट्टी आती ही रहती है। दोस्तों आपने देखा होगा, बच्चे स्कूल जाते हो या कोई व्यक्ति नौकरी करता हो, सभी को रविवार का इंतजार रहता है। रविवार मतलब संडे का दिन होता है सबके लिए छुट्टी का दिन, यानी कि मस्ती का दिन होता है। इस दिन लोग अपने काम और पढ़ाई से हटकर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या वो करते हैं जो उन्हें रिलैक्स करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आती है कि संडे को ही क्यों छुट्टी मिलती है, आखिर ये प्रथा कब से चालू हुआ? बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, तो चलिए दोस्तों आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए आपको इस वीडियो में बता देते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पे भी क्लिक कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, आज से 165 साल पहले संडे की छुट्टी शुरू हुई थी। बता दें कि एक वैज्ञानिक सोच से खुलासा हुआ कि 7 दिन में एक दिन छुट्टी होनी ही चाहिए, इससे दिमाग और शरीर को शांत और रिलैक्स होने का मौका मिलता है। आपको तो मालूम होगा लगातार काम करने से दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं, इसलिए एक दिन की छुट्टी से दोनों को आराम मिलता है। लेकिन अहम सवाल यह है कि छुट्टी केवल रविवार के दिन ही क्यों होती है? इस बारे में बेहद कम लोग जानते हैं कि रविवार को ही छुट्टी क्यों मिलती है, ये छुट्टी बाकी के किसी 6 दिन में क्यों नहीं मिलती। दरअसल ऐसा ईसाई धर्म के अनुसार होता है, दुनिया के कई बड़े देशों में ईसाई धर्म माना जाता है। भारत में भी कई सालों तक अंग्रेजों का राज रहा, इस कारण यहाँ भी कई चीजें अंग्रेजों के द्वारा दी गई है। दोस्तों आपको बता दें, ईसाई धर्म में माना जाता है कि उनके ईश्वर ने धरती बनाने में 6 दिन लगाए थे, इसके बाद उन्होंने 7वें दिन यानी कि रविवार को आराम किया था। इसी मान्यता से अंग्रेजों ने रविवार को आराम का दिन मान लिया। आपको बता दें, ये सन 1843 में तय कर दिया गया था कि भारत में भी रविवार की छुट्टी हो जाएगी। गवर्नर जनरल ने स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में संडे को छुट्टी घोषित की थी। उनका मानना था कि ऐसा करने से छात्र पढ़ाई पर और लोग अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक दिन आराम और अपने बाकी काम के लिए मिल जाए। जैसा कि आपको मालूम होगा, एक दिन आराम करने से लोगों में रचनात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सबसे पहले भारत में रविवार की छुट्टी मुंबई में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग याद रखिएगा, सबसे पहले रविवार की छुट्टी मुंबई में की गई थी। केवल इतना ही नहीं, रविवार की छुट्टी होने के पीछे एक और कारण है। दरअसल सभी धर्मों में एक दिन भगवान के नाम का होता है, जैसे कि हिंदुओं में सोमवार शिव भगवान का या मंगलवार हनुमान जी का, ऐसे ही मुसलमानों में शुक्रवार यानी कि जुमा होता है। मुस्लिम बहुमूल्य देशों में शुक्रवार की छुट्टी दी जाती है, इसी तरह ईसाई धर्म में रविवार ईश्वर का दिन मानते हैं, और अंग्रेजों ने भारत में उसी परंपरा को बरकरार रखा था। उनके जाने के बाद भी यही चलता रहा और रविवार का दिन छुट्टी का दिन ही बन गया। रविवार का इतिहास क्या निष्कर्ष है? लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने 10 जून 1890 को भारतीय के लिए रविवार की छुट्टी घोषित किया था, जबकि दुनिया में कई दशक पहले ही रविवार की छुट्टी का चलन शुरू हो चुका था। रविवार का इतिहास आपको वाकई दिलचस्प लगा होगा। दोस्तों आपको बता दें, ब्रिटिश राज में कपड़ा और अन्य कई तरह की मिलों में बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर काम करते थे। उन्हें हफ्ते के सभी 7ों दिन काम करना होता था और उनके लिए छुट्टी की कोई व्यवस्था नहीं थी। मिल मजदूरों के लिए एक दिन की छुट्टी के लिए मजदूर संडे की छुट्टी ले लिया करते थे, ऐसा ब्रिटिश राज में शुरू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से ये भी मालूम चल जाता है कि संडे का चलन ब्रिटिश राज से ही शुरू हुआ है। दोस्तों अगर संडे आने का आप भी बेसब्री से इंतजार करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं,
और इस वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाकर लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं, देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें, दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।